हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज अपन जानेंगे दोस्तों क्लिंडा कैम ए जेल के बारे में, जो कि दोस्तों मुहासों में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अगर आपको मुहासे हो रहे हों, छोटे हो रहे हों या बड़े बड़े हो रहे हों, या छोटे छोटे दानेदार मुहासे हैं, तब इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पहले इसकी पैकिंग देख लेते हैं दोस्तों। पैकिंग देखिए इसकी बहुत बढ़िया है। ये इसमें जो दवा है दोस्तों वो है 20 ग्राम है। ये जो है एलकेम कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसकी जो MRP है 130 रुपये है दोस्तों। इसकी जो क्रीम है वो भी दिखा देते हैं। ये इसमें क्रीम निकलती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जो दोस्तों क्लिंडा कैम ए जेल है, ये जो है दोस्तों मुहासों के लिए ही ज़्यादातर यूज किया जाता है। अगर आपको मुहासे हो गए हों और दर्द करते हों, तब इसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके जो मुहासे हैं बड़े मुंह वाले हैं, तब इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर छोटे मुंह वाले हैं, तब इसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और अगर चेहरे पर सिंगार की वजह से कई बार मुहासे हो जाते हैं, तब इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप कोई सी क्रीम लगाते हैं, कई बार उसकी वजह से मुहासे हो जाते हैं, कई बार रिएक्शन के कारण मुहासे हो जाते हैं, तब भी इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। और अगर दाग धब्बे हो गए हैं मुहासे के, तब भी इसका उपयोग किया जा सकता है दोस्तों। यह जो है क्लिंडा कैम दोस्तों ए जो है मुहासों को ठीक करने का काम करती है। और यह जो क्रीम दोस्तों डॉक्टर के द्वारा निर्देशित और प्रिस्क्राइब भी की जाती है। और जान लेते हैं इसके बारे में, जो इसमें दवा है उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। जो पहली दवा है दोस्तों एडेप्टलीन है दोस्तों। जो एडेप्टलीन है, यह जो है उन प्राकृतिक पदार्थों को धीमा करती है जो मुहासे पैदा करने का काम करते हैं। अब जानते हैं दूसरी दोस्तों जो है क्लिंडामाइसिन है। यह जो है दोस्तों एक एंटीबायोटिक है। यह जो है प्रोटीन का संश्लेषण को बंधित करने का काम करती है, जिससे कि बैक्टीरिया का विकास रुक जाता है और बैक्टीरिया वहीं की वहीं मर जाता है। अब जानते हैं इसका उपयोग कब करना चाहिए दोस्तों। अगर आपको मुहासे हो रहे हो, तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो स्किन में, तब भी इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको छोटे मुंह वाले मुहासे हैं, तब भी इसका उपयोग कर सकते हैं। कई बार दोस्तों मुहासे बड़े मुँह के हो जाते हैं, जो छूने में दर्द करते हैं, उसको तब भी इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। और अगर गुच्छे के रूप में मुहासे हो रहे हों, तब भी इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों, चाहे छोटे हों या बड़े हों। तो यह ज़्यादातर दोस्तों मुहासों में ही उपयोग की जाती है। और दोस्तों जान लेते हैं इसको लगाना कैसा है दोस्तों। इसको दिन में दो बार लगा सकते हैं, सुबह शाम भी लगा सकते हैं, या रात की रात लगाएं दोस्तों। इसको मुहासे की टिप पर लगाना पड़ता है और फिर छोड़ दें लगा के। पहले अच्छे से साफ़ कर लें या फेस वॉश कर लें, फिर इसको अप्लाई करें दोस्तों। और इसको लगाने से पहले या यूज़ करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें दोस्तों, या किसी फार्मासिस्ट की सलाह ले लें। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, वो भी जान लेते हैं। जैसे कि स्किन का ड्राई हो जाना, त्वचा पर जलन पड़ना, त्वचा में खुजली होना या स्किन में रेशेस आ जाना, इसके आदि साइड इफ़ेक्ट हैं दोस्तों। इसलिए इसको डॉक्टर की सलाह से ही लेना है दोस्तों। तो ये था दोस्तों क्लिंडा कैम ए जेल के बारे में जानकारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।